ये महीना तो धुलाई होने लगी ब्रांडेड की। मतलब मारा यार, बहुत बहुत बुरा मारा। टेक्टिकल डोमिनेशन पूरा, और वो होना ही था क्योंकि पेप मैनेजर है सिटी का, और सिटी 6 साल से एक स्ट्रक्चर टीम है, और यूनाइटेड अभी भी ट्रांजिशन फेज के अंदर है क्योंकि रैगनिक आया है। पर ये महीना कैसे निकलेगा यूनाइटेड के लिए सोचना मुश्किल है। टॉप 4 तो पॉसिबल ही नहीं है यूनाइटेड के लिए इस बार। कोई जादू हो जाए तो पता नहीं होगा कि कोई चांस नहीं है यूनाइटेड की टॉप 4 में फिनिश करे। और यहां टॉप 4 नहीं रही तो यूसीएल तो मतलब क्या ही बोले यार। और रागनी को ब्लेम करना भी ठीक नहीं है कि मिड सीजन आया था इन डीलों की बस्ती में और इन डीलों को घोड़ा बना दे रहे इतने टाइम में, पॉसिबल ही नहीं था। रोनाल्डो नहीं खेला, मे भी इंजरी था, बहाना था, जो भी था, पर मे भी रीजन हो सकता है कि रोनाल्डो प्रेस नहीं करता ऊपर की तरफ जब अटैक के अंदर। ठीक है, समझ में आता, प्रेस नहीं करता किसी और को खिलाया, पर पॉगबा पॉगबा खिलाया रोनाल्डो की जगह, तो मुझे लग रहा पॉगबा पैस प्रेस करेगा। उसके पास बॉल आती है तो वो दूसरा टच सोते हुए लेता है, देखता है कि यार निकल जाए तो छोड़ो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे तुम प्रेस कर रहे हो बिना बॉल के, पूरी जगह ब्रूनो ही भाग रहा था यार। पॉगबा कहीं प्रेस ही नहीं कर रहा था, मतलब उसका एक चौथाई भी प्रेस नहीं कर रहा था जितना ब्रूनो प्रेस कर रहा था। वो प्रेसिंग गेम ऐसी है कि अगर एक हिस्सा भी ढीला पड़ता है ना प्रेसिंग का, अगर सिमेट्री नहीं है आपकी प्रेसिंग के अंदर, तो कोई सेंस नहीं है कि दूसरे का तेज प्रेस करने का भी, क्योंकि वहां से प्रेस करेगा वो प्रेस ही नहीं कर रहा तो बॉल वहां से निकल जाएंगी, पासिंग लेन वो ढीली छोड़ रहा है वहां से, तो उसका प्रेस करने का कोई सेंस ही नहीं बचेगा। प्रेस तभी काम करता है जब पूरी टीम या फिर वो उस एरिया में जहां बॉल है वहां के सारे प्लेयर्स को ढंग से प्रेस करे, तभी आप बॉल वहां जीत सकते हो उस एरिया में उनके हाफ में, और वहां से गोल मारने के चांस बनते हैं। पॉगबा की साइड से सारी थ्रोबॉल्स आ रही थी, ब्रूनो कितनी मेहनत कर ले लेकिन पॉगबा की साइड से सारी थ्रोबॉल्स बन रही थी। अब ठीक है पीछे फ्रेड मैगवायर, बैकलाइन क्या करेगी यार। अब हाँ ठीक है डिफेंड भी नहीं कर रहे लेकिन वो क्वालिटी प्लेयर नहीं है मैगवायर, फ्रेड और मैकटॉमिनी, पर फिर भी यार अगर पॉगबा वहां पे खड़ा है तो वो चीज टीम पे भारी पड़ेगी। मैकटॉमिनी के ऊपर 2 प्लेयर आ रखे थे सिटी के, वो 2 जनों को झेल रहा था पॉगबा की, क्योंकि पॉगबा भाग ही नहीं रहा था। ग्रेलिश वॉज एक्सलेंट, ही वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच, उसने कुछ असिस्ट भी किए थे, पास भी डाले हैं वहां से क्रॉस से जिसपे सिटी ने गोल मारा यार। पर ये यूनाइटेड नहीं है यार, वो पहले वाली तो नहीं है। मतलब पहले होता था कि जब यूनाइटेड कोई गेम हार रही होती थी तो फैंस अगर मान लो चीख रहे हैं तो हर प्लेयर में आग लग जाती थी कि नहीं यार ऐसे कैसे। अगर वो हार के अपने ड्रेसिंग रूम में जाते थे तो माहौल अलग रहता था, गुस्सा रहता था कि बोले यार ऐसे कैसे हार गए, ये कोई एक्सेप्टेबल पॉइंट नहीं है। पर आज अब देखो यार यूनाइटेड हार रही है तो पॉगबा लिंगा नाच रहे हैं अपने ड्रेसिंग रूम में जाके, यार कोई मतलब ही नहीं उनको, पावो के साथ मतलब ही नहीं है कि उसको अगले बाल कौन से कलर कराने बालों के अंदर, उसको परवाह ही नहीं है यार। अगर हंगर नहीं होगा टीम के अंदर तो कोई टीम नहीं जीत सकते, वो कोई मैनेजर नहीं जिता सकता।